उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की बैठक को संबोधित करते हुए देवेंद्र कुमार वाछड़े विद्युत विभाग की कार्य प्रणाली से रोष। जनपद संबल के चंदौसी में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की आवश्यकता बैठक मोहल्ला रुस्तगी में महिला विंग की जिलाध्यक्ष शीनू गुप्ता के आवास पर हुई। इसमें बिजली विभाग की कार्य प्रणाली पर रोष जताया गया। मुख्य अतिथि अधिवक्ता देवेंद्र कुमार वाछड़े ने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं को भय या दहशत में नहीं रहना है। प्रातःकाल व देर रात विद्युत चोरी के नाम पर सर्वे गलत है, इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। एक्ट में कभी भी कहीं भी इस प्रकार से चेकिंग करना सही नहीं है। संवाददाता पंकज राघव की रिपोर्ट। आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ ये हुआ था कि अभी 7 जून को जो हमारा विद्युत कनेक्शन है उसका बिल जमा हो चुका था और 10 जून को हम लोग कलकत्ती नरोरा गए थे। सुबह लगभग 4:30-5 बजे के आसपास और हम वहाँ से 10:30 बजे लौट के आए थे। तो वहाँ से आके देखा हमने तो हमारा केबल जो था वो गेट पर नेम प्लेट के ऊपर लटका हुआ था। हमने सोचा कि शायद हो सकता है ये बंदरों ने तोड़ दिया हो, तो किसी ने यहाँ पर इसे टांग दिया हो। लेकिन बाद में पता चला कि विद्युत विभाग की टीम आई थी जो कि उन्होंने केबल काट कर दरवाजे पर लटका दिया, जिसमें SDO साहब थे और एक्शियन साहब थे, जेई साहब थे, विजिलेंस प्रभारी अजय कुमार चौरसिया जी थे। इन लोगों ने यहाँ मोहल्ले में आके और मेरे गेट पर आकर जो आतंक मचाया यहाँ पर, इससे ज्यादा इसके लिए मुझे बहुत ही ज्यादा हल्ट हुई हूँ मैं। बहुत मतलब मुझे मानसिक परेशानी हुई है और इस चीज को लेकर मैंने एक्शन साहब को भी फोन किया था, लेकिन एक्शन साहब के भी जो धौसे थी उनकी तरह तरह की धौसे थी, वो भी धमका रहे थे। बस यही कि आए दिन बिजली विभाग की शिकायतें की जाती हैं और आगे से कोई शिकायत करके देखना, शिकायत अगर होगी तो आपका विद्युत कनेक्शन काट दिया जाएगा, फिर देखेंगे बिजली कैसे जलाते हैं। और जान से मारने की धमकी दी गई थी। किसके द्वारा? फोन के द्वारा। किसने कहा आपसे? किसने दी? एक्शन साहब ने, SK पांडे जी ने। उसके बाद आपने क्या कार्रवाई की है? हाँ जी, मैंने कार्रवाई की है। मैंने इनके SK पांडे जी के खिलाफ और अजय कुमार चौरसिया जी जो विजिलेंस से संबंधित हैं और अजय कुमार शुक्ला जी, जेई साहब यहाँ के दुर्गेश यादव जी, इनके खिलाफ मैंने कार्रवाई की है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं यही मांग करूंगी कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। SK पांडे जी से संबंधित मैं ये कहूंगी कि इन लोगों की संपत्तियां नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, लखनऊ, अन्य शहरों में लगभग 100 करोड़ से ज्यादा की हैं। कहां से आई, क्या इनकी तनख्वाहें हैं, कहां कहां इनके बच्चे पढ़ते हैं, कितने महंगे स्कूलों में वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ये सारा पैसा कहां से आया, इससे सरकार की ही हानि है। मैं माननीय योगी जी से मांग करती हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को तुरंत बर्खास्त किया जाए, जिससे चंदौसी की जनता चैन और सुकून से रह सके। अगर इन समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो आगे क्या करेंगे? आगे हम आंदोलन करेंगे। आज आपके आवास पे उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की एक बैठक की गई, क्या बैठक थी, क्या उसमें बातें रखी गई? मुख्य रूप से जो उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की बैठक रखी गई वो विद्युत समस्या को लेकर रखी गई थी। विद्युत समस्या है मुख्य रूप से, तो विद्युत समस्या है, बाकी तो बंदरों की समस्या थी और जो ये आवारा पशु हैं इनसे संबंधित आए दिन हादसे होते रहते हैं। बंदरों से संबंधित सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, खास तौर से तो विद्युत विभाग से संबंधित लोगों में काफ़ी आक्रोश है क्योंकि इन लोगों ने चंदौसी नगर में बहुत ज़्यादा आतंक मचा रखा है। क्या नाम है आपका? देवेंद्र वाछड़े एडवोकेट। आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के कार्यक्रम में आप शामिल हुए, मुख्य अतिथि थे। यहाँ आपने बिजली से संबंधित कुछ जानकारियाँ लोगों को दी, क्या कहेंगे संबंध में? उद्योग व्यापार मंडल ने मुझे आमंत्रित किया था और खास तौर से जो बिजली की समस्याएं हैं, जो विद्युत उपभोक्ताएं हैं और खास तौर से जो विद्युत चोरी संबंधी मामले हैं, उसके संबंध में
भारतीय विद्युत अधिनियम और उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता में क्या क्या प्रावधान वर्णित हैं, उन प्रावधानों की जानकारी के उद्देश्य से मुझे बुलाया गया था, जिससे चंदौसी की जनता लाभान्वित हो सके। उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता और भारतीय विद्युत अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में इस संबंध में मैंने अवगत कराया और खास तौर से मैंने सरकार से यही अनुरोध किया है इस मीटिंग के माध्यम से कि सरकार विद्युत चोरी के मसलों को लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित कराए। जनता काफी परेशान है और लोक अदालत के लिए निर्धारण धनराशि के रूप में एक धनराशि तय कर दे कि निर्धारण धनराशि का 20% 25% 30% देकर जनता इस मसले को समाप्त करा सकती है। दूसरी बात यह कि जो कर्मचारी या जो अधिकारी विद्युत संबंधी मामलों में लापरवाही करता है, उपभोक्ताओं को परेशान करता है और परेशानी जो है वो अपरेंट है, प्रत्यक्ष है, तो उसके विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई हो, जिससे भविष्य में कर्मचारी को या किसी भी अधिकारी को ऐसा करने का दुस्साहस ना हो सके। तीसरा, मैंने इस व्यापार मंडल की बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार से यह भी अनुरोध किया है कि जो निर्धारण अधिकारी हैं उनको बदला जाए। निर्धारण अधिकारी के रूप में या तो जुडिशियल ऑफिसर हो या कम से कम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल का अधिकारी हो, जिससे विद्युत चेकिंग के तरीके, राजस्व निर्धारण के तरीके और उनके परिणाम उपभोक्ताओं तक आ सकें। यहां जो व्यक्ति चेकिंग करने जाता है पुलिस भी वही है और जज भी वही है, तो जो व्यक्ति पुलिस है वो जज नहीं हो सकता। तो निर्धारण अधिकारी के रूप में जो काम अधिशासी अभियंताओं को दे रखा है ये पूर्णतया गलत है। इसकी जिम्मेदारी किसी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को दी जानी चाहिए और जो 50% अपील का प्रोविजन है, 50% पैसा जमा करने के बाद अपील होती है, इस 50% की धनराशि को मिनिमाइज करते हुए 20% 25% कर दिया जाए, जिससे लोग अपील के प्रति भी आकर्षित हों। आज की तारीख में जिस संख्या में बिजली चोरी के मसले हैं उस संख्या में अपीलें कमिश्नर साहब के यहां नहीं पहुंच रही हैं। जैसे कि चंदौसी नगर के लोगों की शिकायत है कि बिजली विभाग सुबह 4 बजे और रात को 2 बजे आकर बिजली चेकिंग कर रहा है, क्या जियो में ऐसा है, चेकिंग कर सकते हैं? नहीं, सनसेट के उपरांत और सनराइज से पहले बिजली चेकिंग का कोई प्रावधान नहीं है, गलत है। और ये मकानों में एंट्री करके सनसेट के बाद और सनराइज के बाद, सनराइज से पहले बिजली की चेकिंग नहीं कर सकते। अगर ये आ जाते हैं रात में चेकिंग करने तो उनको कैसे रोका जाए? आप इनसे आई कार्ड मांगें और इनसे आई कार्ड मांगने के उपरांत भली भांति समझाएं कि ये कोई तरीका नहीं है, अगर मानते हैं तो अच्छा है, न तो पुलिस के वरिष्ठ उच्च अधिकारियों को जो है वो सूचित करें और घर में एंट्री ना कर ले, क्योंकि रात में जो है वो पर्दानशीन महिलाओं के घर होते हैं, महिलाएं होती हैं, कोई भी घटना किसी भी समय घट सकती है।